ज्योतिष से संबंधित और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे एस्ट्रो जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं कि सूर्य का हमारे शरीर के किन हिस्सों पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम में ग्रहों की जिस तरह से प्लेसमेंट है, ठीक वैसे ही इनकी स्थिति हमारे बॉडी सिस्टम में भी है। इनके कारक तत्व मौजूद हैं हमारे शरीर में, वो कैसे, आइए जानते हैं। जैसे सूर्य के होने से बाकी के ग्रहों का अस्तित्व है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा है अगर, तो हमारे शरीर का अस्तित्व है, यानी हमें जीवन मिलता है। सबसे पहले सन रिप्रेजेंट करता है हमारी आत्मा को। जिस तरह से सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो ही इतना जबरदस्त है कि सभी ग्रहों को उसके चारों ओर चक्कर लगाना ही पड़ता है। और सपोज कीजिए कि अगर सूर्य ही ना हो तो बाकी के ग्रह किसके लिए रोटेट होंगे? ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, वो होता है हमारे हार्ट के थ्रू। और हार्ट पंप करता है तो ब्लड सर्कुलेट होता है, तो इसीलिए जो हार्ट है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी की वजह से ही हम देख पाते हैं, तो इसीलिए सन हमारी आईसाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। हम सब ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सन ईस्ट से राइज होता है, तो जब हम जन्म लेते हैं बर्थ चार्ट में जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, यानी आपने जन्म लिया, आपका उदय हुआ और फर्स्ट हाउस हमारे हेड का होता है, तो इसीलिए सन रिप्रेजेंट करता है हेड को। सन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम के एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक गैस फॉर्म में होते हैं, और हमारे शरीर में गैस बनती है स्टमक में, तो इसीलिए सन रिप्रेजेंट करता है स्टमक को। सन हमें नेचुरल विटामिन देता है जो कि है विटामिन डी, जो कि हमारे बोन्स को मजबूत बनाने में सहायक होता है, तो इसीलिए सन रिप्रेजेंट करता है बोन्स को। तो अब तक हमने जाना कि सन हमारे शरीर में रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल को, हार्ट को, हेड, स्टमक, बोन्स और आईसाइट्स को। अगर सन की प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में अच्छी नहीं है तो क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आइए जानते हैं। सन की पोजीशन अगर बर्थ चार्ट में सही नहीं है तो ये आईसाइट्स संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है, लंबे समय तक हेडेक या माइग्रेन की शिकायत बने रहना, हृदय संबंधी दिक्कत, ब्लड प्रेशर, पेट में दर्द या लगातार एसिडिटी बने रहना। सन अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो इम्यून पावर को वीक कर देता है, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बुखार आता है, बहुत कम एज में ही हड्डियों में वीकनेस महसूस होती है। सूर्य की वजह से बैल्डनेस भी आती है, लाइक मैंने मोस्टली चार्ट्स देखे हैं जिसमें सन अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोगों के बहुत जल्दी ये जो हिस्सा है यहाँ से बाल उड़ने लगते हैं, या लोगों के बहुत जल्दी सफ़ेद बाल आने लगते हैं। तो ये तो आज मैंने आपको बताया है कि सन का हमारे शरीर के किन हिस्सों पर इम्पैक्ट पड़ता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि मरकरी का हमारे शरीर के किन हिस्सों पर इम्पैक्ट पड़ता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू।